सीनियर्स विनोद खन्ना साहब वगैरह सब लोग फिर पुणे में थे, तो हम मुंबई में थे, उनके बारे में जानते थे, सुनते थे। हम तो शिव भक्त रहे, हम इष्ट देवता हमारे शिव रहे, तो और पता था ये मध्य प्रदेश थे, इनके थॉट अलग हैं। और मैं 650 फिल्म करने के बाद एक नए किरदारों को हमेशा ढूंढता रहा कि नए किरदार क्या होंगे, तो ये किरदार हमको मिला, तो मैं एक किरदार के रूप में इनको ले रहा हूँ। बाकी उनके अनुयायी हैं, जो उनके फॉलोअर्स हैं, उन लोग उसको तय करेंगे पैमाना। मेरा काम है कि जो भी किरदार हमको मिला है आज तक, जिसके लिए मैं जाना जाता हूँ, मैं उसको जीने लगता हूँ। लोग कहते हैं ना, इसमें डूब जाओ या इसमें घुस जाओ या इसमें चले जाओ या इसको प्लान, मैं कहता हूँ कि इसको आप जीते। तो मैं इतने साल का सिनेमा का छात्र होने के बाद मुझे ऐसा एहसास हुआ कि अब थोड़ा सा समझ थोड़ी सी आ गई है, तो इसको मैंने जीने का पूरा प्रयास किया। आप लोगों को जब इसके प्रोमोज देखेंगे या ये फिल्म जब आप देखेंगे, आपको लगेगा कि आप वाकई में काफ़ी हद तक ओशो जी को देख रहे हैं, तो आप लोगों को बड़ा आनंद आएगा। सर, हमने आपके किरदार देखे हैं, हमेशा आपने अलग अलग किरदार अपनाए हैं और जनता ने काफ़ी प्यार भी दिया है, इस किरदार को अपनाने का सबसे बड़ा रीज़न क्या था? देखिए, एक टास्क था, मैंने कहा क्यों, मैं वो शो मैंने प्रोड्यूसर से कहा, डायरेक्टर से, उन्होंने बोला आपकी आंखें वैसी, तो आपकी आंखें वैसी, आपका स्किन का कलर वैसा है, लंबे वो भी थे, टॉल थे, और उन्होंने फिर मैंने कहा ठीक है, फिर एक मैंने वो लॉकडाउन के पहले था ये, और मैंने कहा ठीक है इसको करते हैं, ट्राई करते हैं कैसा लगता हूँ, और फिर लगे और उसको महसूस किया। मुझे भी सेट पे लोग सब अनुयायी थे, उनको खुशी हुई, कुछ ताली बजाने लगे, कुछ रोने लगे, जब हम रेडी हुए तो वो फिर हमने उसको मुझे लगा कि अब ठीक है, बाकी वो लोग बता पाएंगे कि मैंने इसको कैसे जी, मैं कैसे जिया इसको। ओशो जी काफ़ी कंट्रोवर्शियल स्पिरिचुअल रीडर रह चुके हैं, तो जब आपने किरदार अपनाया, आपने एक थॉट दिया कि मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कहीं मैं भी इस फिल्म से कहीं कंट्रोवर्सी में कुछ पड़ जाऊँ? नहीं, हमने किरदार निभाया है, इस कैरेक्टर को नहीं, मैंने कभी ये इसमें कहीं एक ऐसा डायलॉग नहीं कि आप ये करिए, हमने एक अपनी विचार रखे जो वो बोलते थे, और एक किरदार के रूप में ही लोग इसको देखें कि रवि किशन एक किरदार हैं, बस मैं यही कहूँगा, उससे ज़्यादा ना देखें कि मैं कैरेक्टर हूँ और मैंने इस कैरेक्टर को प्ले किया। मैंने उनकी क्लिपिंग्स देखी है और उनकी किताबें पढ़ी, और इस दौरान शूटिंग के दौरान जो जो हम कर सकते थे हमने किया। सर, ओशो जो थे वो सिक्स गुरु के नाम से भी जाने जाते थे, और प्यार उन्होंने काफ़ी वेस्टर्न और इंडियन कल्चर को मिक्स करके काफ़ी स्प्रेड किया है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? इस वाली फिल्म में उस टॉपिक को हम लोगों ने नहीं छेड़ा, वो हम उस टेरिटरी में नहीं गए। मैंने उनको मध्य प्रदेश की यात्रा से और बीच में पुणे और ये बीच बीच में जो जो बातें हुई हमने उसको किया। ओके, लास्ट डे शूट है आज का, कैसा रहा आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस सभी कास्ट एंड क्रू के साथ काम करके? बहुत अच्छा रहा, वेरी नाइस, इट वाज वेरी डिसेंट, एवरीबॉडी वाज वेरी हैप्पी, सब लोग बड़े प्रसन्न थे। आप पुणे में भी शूट किया है जैसे आपने कहा, तो वहाँ पे पुणे में उनका एक बहुत ही बड़ा आश्रम है, वहाँ पे आप मिले सबसे, कैसा रहा आपका वहाँ पे? पुणे हम नहीं कर पाए शूटिंग, हम बिकॉज ऑफ पार्लियामेंट चल रहा था तो मैं नहीं जा पाया, बट ये बस उनके सारे अनुयायी यहीं सेट पर हैं, तो ये ऐसे मैं उनको मिल रहा हूँ और उन लोगों को देख रहा हूँ। कि अपार्ट फ्रॉम दिस, गोरखपुर में कार्यक्रम में आप हिस्सा थे, आपकी स्पीच से जनता खुश हुई, कुछ एक्सपीरियंस वहाँ का आप बताना चाहेंगे? डेवलपमेंट में आपने वहाँ पे बात की, उसका भी एक एक्सपीरियंस है। देखिए, वो मोक्ष का घाट था, तो वहाँ पर हमने मृत्यु और जीवन की बात की, स्वर्ग नरक की बात की, और उसको कुछ विरोधी पक्षों ने, विपक्षियों ने उसको वायरल भी किया, बट उन लोगों को मेरा पास जानना चाहिए, मैं बनारस की तरफ से हूँ, हम लोगों के यहाँ पर इसको उस तरह से एक लेते हैं, एक सटायर भी होता है, एक वो माहौल वैसा था कि वो घाट पर आ पाए, वहाँ पे कोई फिल्म का गाना या फिल्म का डायलॉग या तो आप दूसरी बात, मुख्यमंत्री जी मंच पर थे, तो हम लोग अध्यात्म ही बात करेंगे, ये जीवन है जो आया है उसको जाना तय है, कोई यहाँ पर परमानेंट रहने नहीं आए, सारे किराएदार हैं इस धरती पर, और उसी बात को हमने वहाँ पर कहा, और जनता तो बड़ी उसको समझ गई, बड़ा आनंद ली, और उसको हमने कहा कि इसको स्वच्छता अभियान से जोड़ें, उस घाट को या किसी देश के घाट पर आप कोई भी गंदगी ना करें, वो फूल माला ना फेंकें, किसी प्रकार की जो सुबह की गंदगी कोई ना करें, सारे घाटों को जब हमारे प्रधानमंत्री जी चाह रहे हैं कि स्वच्छ रखें, तो हम लोगों को स्वच्छता रखना है, स्वच्छता अभियान है,
तो उस पर एक रहा। फिर हमने अपने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की सारी उपलब्धियों को भी गिनवाया कि कैसे दो निस्वार्थ त्यागी, और ऐसे लोग बहुत कम अवतरित होते हैं इस देश में और कसदियों के बाद हुए। तो हम लोगों को वो सारी चीज़ों को गौर किया, और जो विरोधी पक्ष हैं उन लोगों को लगा कि हम हिंदुत्व को बढ़ावा दे रहे हैं, हम मृत्यु या हर हर महादेव बोल रहे हैं या ये बोल रहे हैं, तो अब तो महादेव या जय श्री राम बोलो तो विपक्षियों को दिक्कत हो जाती है, और उन लोग उसको वायरल कर दिए। उनको लग रहा था कि रवि किशन जिस मंच पर रहते हैं वहाँ हर हर महादेव क्यों बोलते हैं और ये क्यों, तो वो लोग उसको गलत ट्विस्ट कर लिए कि मृत्यु स्वर्ग नरक, और यहाँ आएगा तो मतलब जो इस घाट पर आएंगे, जैसे मणिकर्णिका घाट है काशी में, वहाँ मैं अपने पिताजी को भी अंत्येष्टि किया, तो वहाँ पर कहा था कि स्वर्ग आप प्राप्त होते हैं। राप्ती नदी इतना पवित्र माई है, गोरक्षनाथ बाबा खुद वहाँ पर एक शिव अवतारी जगह है, तो वहाँ पर आप आते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति आपको ज़रूर होती है। बात मोक्ष की थी, लेकिन इसको लोग हिंदुत्व से जोड़ दिए कि हमेशा महादेव महादेव या जय श्री राम क्यों कहते हैं। तो आज वो पूरे देश में वायरल हो रहा है वीडियो हमारा, तो आपके द्वारा मैं ये जवाब उन सबको देना चाहता हूँ जो उस वीडियो को वायरल कर रहे हैं कि वो हिंदुत्व का नहीं था, वो अंत्येष्टि का घाट था, वहाँ मृत्यु और जीवन की बात होगी। मैं परिपक्व नेता तो नहीं, मैं कलाकार हूँ, तो मेरे शब्द वैसे आते हैं और मेरे देश मुझे ऐसे शब्दों से जाना जाता है। मैं जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा बोलने वाला व्यक्ति हूँ, तो मुझे देश वैसे जानता है, और गोरखपुर मुझे जानता है, मेरा पूर्वांचल मुझे जानता है कि भैया कैसे हैं, भैया ऐसे ही हैं और भैया ऐसे रहेंगे। और जहाँ मैं हिंदू हूँ तो अपने भगवान का नाम लूँगा ही, मैं महादेव बोलूँगा ही, क्योंकि मैंने वही बचपन से सीखा है, मैं अपने भगवानों का नाम ही जानता हूँ, तो मैं वही बोलता हूँ मंच पे आता हूँ, जनता मुझे देख के वही चिल्लाने लगती है। सर हमने हमेशा देखा है देश की प्रगति के लिए बहुत किया है, बहुत आपने स्पीचेस दिए हैं, और अभी वेस्ट बंगाल में भी इलेक्शन हो रहा है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? काफ़ी वहाँ पे भी डेवलपमेंट की ज़रूरत है, हम सब जानते हैं। हाँ, आपके ANI के माध्यम से बता दें, वेस्ट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। बंगाल ने डिसाइड कर लिया है कि परिवर्तन होगा, और बहुत अच्छे से होगा। दीदी जाएंगी, क्योंकि दीदी ने वहाँ विकास नहीं किया, प्रधानमंत्री की सारी योजनाओं को बंगाल के बॉर्डर पे रोका हुआ है, वो सारे आना चाहता है। बंगाल देख रहा है जम्मू कश्मीर का कैसे विकास होना शुरू हो गया, लद्दाख का कैसे हो गया, अब बंगाल की बारी, और बंगाल को विकास करना है, और बंगाल आगे आएगा, और बंगाल हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ चलेगा, इस देश के साथ चलेगा। देश चल रहा है, बंगाल क्यों पीछे है? बंगाल को क्यों बांग्लादेश की तरह ट्रीट किया जा रहा है? बंगाल को पूरा अधिकार है कि भारत में है, भारत का हिस्सा है, और भारत के साथ चले वो। लेकिन ममता जी कहीं ना कहीं अपने रैली में काफी कुछ एक लास्ट फिर इसके बाद खत्म, काफी कुछ बोल रही हैं, अगेंस्ट बोल रही हैं पार्टी के लिए, तो उनके लिए कुछ? ममता जी अपनी हार देख रहे हैं, और ममता जी को क्लियर दिख रहा है कि मैं हार रही हूँ और मेरी सरकार जा रही है, और भारतीय जनता पार्टी की विकास की यात्रा और विकास का रथ बंगाल में आ रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से। अब बंगाल उसी तरह बढ़ेगा जैसे बाकी राज्य इस देश में कोरोना काल के बाद भी ऊंचाई पे आ गए, और बंगाल पिछड़ा अब नहीं रहेगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ आ रही है। आज ये आखिरी दिन है, आप लोग ने मुझे अनगिनत रूप में देखा, 650 फिल्म देखी, अनगिनत भाषाओं में देखा, आपको ओशो के किरदार में आप लोगों को बहुत सरप्राइज मिलेगा, और आपको महसूस होगा कि हाँ कि हम काफ़ी हद तक जैसे रवि किशन को प्यार करते रहें भैया, इसमें भी हम आपको ये निराश नहीं करेंगे, आपको लगेगा कि ये किरदार को भी हमने जीने का पूरा प्रयास किया। बाकी रिलीज़ कब होगी ये डेट आप लोगों को सोशल मीडिया पे बता दी जाएगी।